I am back. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ कि आज जो है थोड़ी सी छोटी सी न्यूज है आपके लिए और कुछ खबरें भी है आप सभी के परिवारों के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या कुछ खबरी है। जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है वो हमें सालाना 6,000 रुपीज दे रही है। अब वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो पैसे देगी, किस किस को देगी, क्यों दे रही है, किस लिए दे रही है, कब दे रही है और कब से स्टार्ट होने वाला है ये सारा का सारा फंडा है क्या, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल न्यूटे किसी को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद पास में आएगा एक छोटा सा प्यारा सा इतू सा बेल आइकन, उसको दबाना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन अधिसूचना मिलती रहेगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके फोन की घंटी बच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जो आपका पर्सनल नंबर होता है जो आपके बैंक अकाउंट वगैरह से जुड़ा हुआ है, फिर सरकार के पास जो आपका नंबर है, आपका जो बहुत ज्यादा फेमिलियर नंबर हो जाता है जिस पर लगभग लोग जुड़े हुए, उस पर एक मैसेज आया होगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि किसी भी कृषक परिवार को, मतलब मध्यम कृषक परिवार जो है उसको सालाना 6,000 रुपीज 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बता दूं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ई मित्र पर जाना होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम घर बैठे आवेदन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए ई मित्र की आईडी होना जरूरी होती है जो कि ई मित्र वालों के पास होती है। दूसरी चीज है कि इसका जो है अलग से टोकन कटता है। टोकन क्या होता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, वैसे आप समझ नहीं पाओगे, लंबी प्रोसेस है हमारे, वैसे कुछ काम की नहीं होती है। तो टोकन करता है और वो टोकन देने के बाद ही जो है मित्र वाले उसके लिए अप्लाई करवाते हैं और मित्र की आईडी पर ही जो है ये सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद नेक्स्ट बता देते हैं कि यदि कोई मित्र वाला आपसे इसके लिए 100 रुपए 500 रुपए 1,000 रुपए इस तरह की मांग करेगा, क्योंकि आपके पास तो सालाना 6,000 रुपए आ रहे हैं तो आप तो दे दोगे यार, अच्छी बात है, आ तो रहे हैं ना, दे दो, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। उसी मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि ई मित्र पर जाकर जब आप ये आवेदन करोगे तो आपको फीस मात्र 25 रुपीज 25 रुपए देने होंगे। अब ये मिलेगा किस किस को, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मिलने वाला है, ये उसको मिलेगा, मान लीजिए आप एक कृषक परिवार में हो, आप खेती बाड़ी करते हो लेकिन आपके पास उतनी जमीन नहीं है। अब जमीन की कितनी मांग कर रहा है वो बता देता हूँ। तो इसके लिए जमीन और जाए आपके पास 8 बीघा, 8 बीघा से कम, 8 हेक्टेयर, यू नो व्हाट, 8 से कम 8 बीघा और 8 वाले लोगों को जो है, तो ये जो वीडियो ये जो है ना 8 बीघा और 8 बीघा वाले से कम को जो है मिलेगा, मतलब 8 बीघा वाले को मिलेगा, 8 बीघा से कम वाले को मिलेगा, इससे ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। अब उसी को मिलेगा जिसके नाम में जमीन होगी। मान लीजिए आपकी फैमिली में जो है 2 लोग है और 2 लोगों ने जो है वो करवा रखी है, मान लीजिए अलग अलग जमीन नामा, 8 बीघा अलग के है, 8 बीघा अलग के है। यदि आपका जो राशन कार्ड है वो अलग अलग है तो आपको अलग अलग सालाना 6,000 रुपए अलग अलग मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जरूरत किन किन चीजों की होगी। तो सबसे पहले इसकी जरूरत है जमाबंदी की। आप सभी जानते हो कि जमाबंदी, अपनी जमीन की जमाबंदी आवश्यक है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज की जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आपके बैंक की डायरी की लेटेस्ट अपडेट। एक्चुअली आपको क्या करना होगा, अपने बैंक में जाना है जल्दी से और वहां पर जाना है, बैंक वाले को कहना है ये ले डायरी और इसमें क्या कर दे, लेटेस्ट एंट्री कर दे। अब पैसा कितना होगा वो आपका है, तो आपको जो है उसमें एंट्री करा लेनी है। उसी के साथ साथ और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आप ठीक करना है, आपको 25 रुपीज देनी है और बैंक डायरी के साथ साथ आपको इसमें खसरासन के चाहिए होगी, आपके जो आधार कार्ड चाहिए होगा और भामाशाह कार्ड चाहिए होगा जो कि हर एक परिवार में अवेलेबल होता है, आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी सी जानकारी है और भारत सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, तो आपको सुविधा दी है तो इस सुविधा का जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी जाइए अपने मित्र पर। कल से ये टोकन स्टार्ट हो चुका है और 23 यानी 23 तारीख से जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अभी जाइए अपने मित्र पर, लीजिए ये टोकन और वहां से जो है अपने अपडेट करवा लीजिए। और जो मैंने चीजें मांगी थी एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ,
कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको जो इसमें सहाय होगा आपकी जमीन की जो है जमाबंदी, आपके पास जो भी जमीन है उसकी जमाबंदी आती है वो वाली जमाबंदी, खसरा संख्या, उसके बाद में आपकी बैंक की डायरी की लेटेस्ट अपडेट यानी जो है लेटेस्ट एंट्री चाहिए होगी, आधार कार्ड चाहिए होगा और उसी के साथ साथ आपको भामाशाह कार्ड चाहिए होगा। कई बार होता है कि आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट कुछ नए भी ले तो आपको भामाशाह कार्ड की रिक्वायरमेंट तो जरूर होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट पहले आप लेकर जाए, वरना वहां जाके यार भागना हो गया, मैं नहीं भागूंगा, आपको लेना है तो जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दिल की दी गई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और अपने दिल की प्यारी प्यारी बातें शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलेगा बांद्रा हजा गलत बोल दियो तू। बका नाम से और कैसे ऐसे की कचरा संख्या आधार कार्ड भाषा कार्ड।